ने, नड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास के ऊपर में रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मोहर लगाई है। क्या जिम्मेदारी की उम्मीद हम करें कि बृजमोहन भैया जो हैं क्या जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे? अब केंद्र में जा रहे हैं आप तो। देखिए, मैंने कभी भी अपने लिए जिम्मेदारी तय नहीं की है। मेरे लिए जिम्मेदारी जो भी तय की है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय की है, और शीर्ष नेतृत्व से जुड़ी देखिए बृजमोहन अग्रवाल साहब, एक बहुत अच्छी खबर आपके कार्यकर्ताओं को साझा करने के लिए, आपके लिए भी खबर, बहुत अच्छी खबर, 152,000 वोट से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से जीत गए। चलिए, मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और बनारस की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन बृजमोहन भैया 6 लाख प्लस से लीड कर रहे हैं और यहाँ 152,000, क्या वजह रही? जी देखिए, ये अलग अलग क्षेत्र की जनता का अपना अलग अलग स्वभाव होता है और अलग अलग मुद्दों पर वो वोट देती है। जीत जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से जीता जाए, चाहे 10 लाख वोट से जीता जाए, जीत जीत होती है। और बनारस की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगभग 2 लाख वोटों से जिताया है, उसके लिए हम वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। अग्रवाल साहब, ये तो छत्तीसगढ़ की हमने बात की, मध्य प्रदेश का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पर ओवरऑल पर आपका क्या रिएक्शन है? किस तरह से देखते हैं जो आंकड़े सामने आए हैं, इंडिया भी कहीं ना कहीं इस बार आगे बढ़ा है, इंडिया गठबंधन, तो आप इसे किस तरह देखते हैं? कहाँ पर चूक रह गई, जो 400 पार का नारा था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 400 पार का नारा पूरा नहीं होता नजर आया, आपकी आवाज नहीं आ रही। हार गए, ये बहुत बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, और केंद्रीय मंत्री अगर लूज कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं सवाल तो खड़े होंगे। अरे तो सवाल इसलिए खड़े होंगे क्योंकि केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार जाते हैं, इसके अलावा केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी हार जाती है। तो अगर स्मृति ईरानी और केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान हार गए हैं तो ये क्या मैसेज है? अयोध्या का जिक्र कर रहे थे कि अयोध्या भाई लूज कर दिया आपने, तो ये एक मैसेज, यहाँ की जनता ने क्या मैसेज देने की कोशिश की? कई जगह ये क्लियर कहीं ना कहीं किया कहा गया है, जनता की तरफ से बताया गया है कि सिर्फ चेहरे पे काम नहीं चलेगा, जो काम एक्चुअल में होना चाहिए था वो नहीं हुआ है, तो हम ऐसे वोट करेंगे या पार्टी बदल देंगे, वहां पे जो हमें काम चाहिए उसी के उस पर ही वोट किया जाएगा। सहयोगी तनु वर्मा हमारे साथ जुड़ी हुई हैं और बृजमोहन अग्रवाल साहब हमारे साथ जुड़े हुए हैं, रायपुर की बहुत वीआईपी सीट या छत्तीसगढ़ की उन सीटों में रायपुर की सीट की गणना होती है जो कि सबसे खास, सबसे वीआईपी सीट मानी जाती है। बहुत बहुत बधाई आपको अग्रवाल साहब, मुकाबला कितना दिलचस्प रहा, कैसा लग रहा है? आप विधायक से आप सांसद बन जाने वाले हैं, मंत्री पद तो अब मंत्री की जिम्मेदारी तो किसी और को सौंपनी पड़ेगी। पटाखों की आवाज इतनी ज्यादा है, इतनी खुशी है, मुझे याद आ रहा है पटाखों की आवाज सुन करके कि जब वोटिंग हुई थी तब भी पटाखे छोड़े गए थे, वोटिंग समाप्त हुई उसके बाद खूब पटाखे छोड़े गए, खूब जश्न मनाया गया। अग्रवाल साहब, आपको आवाज मिल रही है? चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। रायपुर शहर की जनता ने, रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने एक रिकॉर्ड बनाया है, उसके लिए मैं जनता को बहुत बहुत धन्यवाद और आभार व्यक्त करता हूं। हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की उसके अनुरूप रिजल्ट आया है, 6 लाख वोटों से लगभग अभी आगे हैं, और मुझे ऐसा लगता है कि जो कार्यकर्ताओं की मेहनत है और जनता का जो प्यार, स्नेह, आशीर्वाद पिछले 40 सालों से मिल रहा है वो वोट के रूप में परिवर्तित हुआ है। और केंद्रीय नेतृत्व, मोदी जी ने, अमित शाह जी ने, नड्डा जी ने जो विश्वास व्यक्त किया, उस विश्वास के ऊपर में रायपुर लोकसभा क्षेत्र की जनता ने मोहर लगाई है। क्या जिम्मेदारी की उम्मीद हम करें कि बृजमोहन भैया जो हैं क्या जिम्मेदारी निभाते नजर आएंगे? अब केंद्र में जा रहे हैं आप तो। देखिए, मैंने कभी भी
अपने लिए जिम्मेदारी तय नहीं की है, मेरे लिए जिम्मेदारी जो भी तय की है वो पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने तय की है। और शीर्ष नेतृत्व से जुड़ी देखिए ब्रिजमोहन अग्रवाल साहब, एक बहुत अच्छी खबर आपके कार्यकर्ताओं को साझा करने के लिए, आपके लिए भी खबर, बहुत अच्छी खबर, 1,52,000 वोट से प्रधानमंत्री मोदी वाराणसी सीट से जीत गए। चलिए मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और बनारस की जनता को भी बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। लेकिन ब्रिजमोहन भैया 6,00,000 प्लस से लीड कर रहे हैं और यहाँ 1,52,000, क्या वजह रही जी? देखिए ये अलग अलग क्षेत्र की जनता का अपना अलग अलग स्वभाव होता है और अलग अलग मुद्दों पर वो वोट देती है, जीत जीत होती है, चाहे वो 1 वोट से जीता जाए चाहे 10,00,000 वोट से जीता जाए, जीत जीत होती है। और बनारस की जनता ने तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लगभग 2,00,000 वोटों से जिताया है, उसके लिए हम वहाँ की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं और बधाई देते हैं। अग्रवाल साहब, ये तो छत्तीसगढ़ की हमने बात की, मध्य प्रदेश का भी हम लगातार जिक्र कर रहे हैं, पर ओवरऑल पर आपका क्या रिएक्शन है, किस तरह से देखते हैं जो आंकड़े सामने आए हैं? इंडिया भी कहीं ना कहीं इस बार आगे बढ़ा है, इंडिया गठबंधन, तो आप इसे किस तरह देखते हैं, कहाँ पर चूक रह गई, जो 400 पार का नारा था वो पूरा होता हुआ नजर नहीं आया? आपकी आवाज नहीं आ रही है। 400 पार का नारा पूरा नहीं होता नजर आया, आपकी आवाज नहीं है। ये सवाल है ऋतु, और दूसरा कि बहुमत का आंकड़ा भी बीजेपी नहीं छुपा रही। बहुमत का आंकड़ा भी नहीं बीजेपी छुपाई और ना ही 400 पार। बहुमत के आंकड़े पर तो पहुंच गए, बहुमत के आंकड़े के लिए 200 पर 200